हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आरती बाला। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को त्यागोत्सव दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता में बुद्ध फाउंडेशन के डी के चौधरी ने इसके पूर्व नगर के अंबेडकर चौक के समीप स्थित प्रतिमा पर पदाधिकारी एवं समाज सेवियों द्वारा माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा देश के हित में किए गए कार्य अतुलनीय हैं। इसके द्वारा बनाया गया संविधान दुनिया का उत्कृष्टतम संविधान है और साथ ही कहा कि संविधान के अनुकूल चलने से ही मर्मज समाज का निर्माण होगा। पूर्वी चंपारण जिला के चकिया थाना स्थित नगरगावा गांव के शेख अलाउद्दीन की लापता 2 वर्षीय बच्ची का शव धान के बोझा के नीचे बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि 3 दिनों पूर्व अलाउद्दीन की 2 वर्षीय बेटी खुशबू घर से लापता हो गई थी, जिसकी खोजबीन करने पर भी उसका पता नहीं चल पाया था, लिहाजा परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। परिजन का आरोप था कि घुमंतु जो नट जाती है अब कुबेरन छपरा में ठहरी हुई है महिलाएं, वही भीख मांगने आई थी 7 की संख्या में, उन्हीं लोग जब आई थी इसके बाद बच्चा गायब है, अतः यही लोग बच्चा को गायब किया है। इस आरोप में पूरा गांव वाले, उग्र गांव वाले नट जाति के 7 महिलाओं को घेर कर मारपीट कर रहे थे कि पुलिस पहुँच गई। बिहार के वैशाली में एक महादलित महिला ने अपने 2 बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह गरीबी और भूख की परेशानी बताया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि बेहद गरीब इस महादलित परिवार को ना तो कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा था और ना ही खाद्य सुरक्षा के तहत परिवार को अनाज ही मिल रहा था, जिस कारण महादलित महिला रेशमा देवी ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। भूख और गरीबी से हुए मौत के इस मामले में जिला प्रशासन ने जाँच कराए जाने की बात कही है। बिहार के वैशाली में कैश मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारियों ने ही 20 लाख के गमन के बाद खुद ही थाने में पैसे चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए 10 लाख कैश बरामद कर लिया है। एक एक करके परत दर परत उसमें इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई तो पैसे हमारे रिकवर होते चले गए उन्हीं लोगों जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी पैसे डालने की, और ये एक बार में नहीं पिछले 2.5-3 महीने से ये चल रहा था और थोड़ी थोड़ी राशि इसमें कम करके उस एटीएम में डाली जा रही थी, शॉर्टेज यानी कि पैसे का था लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं आ रही थी। और जब एक बल्क अच्छा हो गया जो राशि को कल इनको परसों शाम में यानी 4 तारीख को डालना था उसको भी नहीं डाला और मिसिंग रिपोर्ट किया, तो उसके बाद से जो पुलिस की टीम ने बरामदगी की है जो हार्ड कैश मिला वो 10,98,000 रुपया। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के जेडीयू के संभावित प्रत्याशी सह बिहार के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। अभी से ही बड़ी संख्या में युवाओं ने ललन सिंह की सफलता की बाबत कमर कसना शुरू कर दिया है। मोकामा प्रखंड के महेंद्रपुर गांव के युवा सामाजिक कार्यकर्ता राजेश उर्फ पहाड़ सिंह ने सघन संपर्क अभियान छेड़ दिया है। पहाड़ सिंह के नेतृत्व में मुंगेर संसदीय क्षेत्र के कई गाँवों का दौरा कर युवाओं ने नीतीश सरकार की विकास योजनाओं की लोगों को मुकम्मल जानकारी मुहैया कराई। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से इलाके के लोग काफी प्रभावित दिख रहे हैं। क्षेत्र का सघन दौरा कर पहाड़ सिंह ने दावा किया है कि इस बार बिहार में विकास और सुशासन की ब्यार बह रही है जिसे जनता वोट में तब्दील कर देगी। जदयू भाजपा की स्थिति तो बहुत अच्छा रहेगी, जहाँ जहाँ भी हम बात कर रहे हैं अपने जानने वाले से बिहार में सभी जगह पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो काम हुई है उससे सभी लोग खुश हैं और सब जो है जहाँ जहाँ भी मान लीजिए बिहार में अभी भाजपा की और नीतीश कुमार जेडीयू की। सरकारी सेवक का दर्जा देने और वेतनमान 18,000 करने के साथ 16 सूत्री मांगों को लेकर मोकामा की तकरीबन 250 आशा कार्यकर्ता शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चली गई हैं। आशा कार्यकर्ताओं की इस बेमियादी हड़ताल से अस्पताल में प्रसव प्रक्रिया का कार्य बाधित हो गया है। अपनी मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों की पूर्ति नहीं होने तक ये आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। पूरी करो, पूरी करो, कर्मचारी का दर्जा देना
बिहार के वैशाली में शराब के अवैध कारोबारियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक गांव में छापेमारी कर घरों से शराब बरामद किया है। वैशाली जिले के हथुआ गांव से 10,000 से ज्यादा कार्टून शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने शराब जब्ती के अलावे कई शराब कारोबारियों पर FIR दर्ज किया है। एक पर्टिकुलर गिरोह धर्मा का गिरोह, उसमें नाम आया है और उससे जुड़े दो लोग रवीश एंड गौतम कुमार सिंह, इनके घर से काफ़ी बड़े मात्रा पर शराब की बरामदगी है जिसका सीजर अभी चल रहा है। बख्तियारपुर में गुरुवार की रात बख्तियारपुर नगर के वार्ड नंबर 10 के पार्षद उपेंद्र कुमार के घर में घुसकर कुछ अपराधियों ने हंगामा किया और पार्षद पर हमला कर उसका सर फोड़ दिया। इस दौरान पार्षद को बचाने आए परिजनों के साथ भी मारपीट एवं गाली गलौज किया। इस संबंध में पीड़ित पार्षद द्वारा बख्तियारपुर थाने में अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए लिखित आवेदन दिया गया। इस घटना से पार्षद और उनके परिवार सहमे हुए हैं। रात में हम पूरे परिवार खाना खा करके सोने जाने वाले थे, तब ये लोग 3-4, 5-6, 7 के संख्या में था जो बेधड़क गाली गलौज करते हुए घर में घुस गया, पिस्टल निकाल कर करके हमारे सर पर मारा। उसके बाद में जो है कि हमारे पत्नी का जो है कि दुगा टैची था, वो सब लेकर के भाग गया। उसका विरोध किए तो हमको जो है पिस्टल से सर पर मारा। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा रेलवे स्टेशन के दक्षिणी गुमटी के निकट एक युवती का शव कल पुलिस ने बरामद किया। बताया जाता है कि सहरसा समस्तीपुर सवारी गाड़ी से लड़की की कटकर मौत हुई है। लड़की की पहचान रक्सी गांव निवासी कुशो तांती की पुत्री कृष्णा कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव के पास से एक कॉपी और एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है जिसकी जाँच की जा रही है। इसको हम लोग अपना प्राधिकारी को रात में भेज चुके हैं। जांच करने से पता चलता है वहाँ बगल में सुसाइड नोट, एक छोटा सा और एक काले रंग का उसका साल रखा हुआ है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के खिलाफ निकाले गए जुलूस में लगे देश विरोधी नारे। आपको बता दें कि ये जुलूस मस्जिद संगठन पॉपुलर फ्रंट और इंडिया के अगुवाई में निकाला गया था। दरअसल सन 1992 के 6 दिसंबर का ये दिन न तो हिंदू भूल पा रहे हैं और न ही मुस्लिम। ज़्यादातर हिंदू इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे एक काला दिन के रूप में याद करता है। आज इसी काले दिन की याद में बिहार के दरभंगा में भी बाबरी मस्जिद विध्वंस के खिलाफ पुलिस समुदाय के लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। दरभंगा के कालीघाट मदरसा हमीदिया से जुलूस की शक्ल में निकला विरोध प्रदर्शन दरभंगा के DM दफ्तर पर जाकर खत्म हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में कई तरह के नारे भी लगाए गए। बीच बीच में कई बार लोग देश विरोधी नारे भी लगाते दिखे। मैं ये चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद फिर से दोबारा तामीर करे, और मैं नहीं पूरा हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी जो सच्चा हिंदुस्तानी है वही कह रहा है कि बाबरी मस्जिद फिर से वही बननी चाहिए। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, कुछ जो है वो नारे जो है वो आपत्तिजनक लगे हैं, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।